शर्मन जोशी इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट एक्टर. मैंने बहुत कुछ सीखा उससे, शायद स्टाइल में जितने लोग भी मुझे सब बाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल. थैंक यू एवरीवन हूएवर इज़ वाचिंग दिस चैनल, ऑल द लव एंड सपोर्ट. जितने लोग इस चैनल को अब तक देख रहे हैं, देखते हैं, कमेंट करते हैं, लव यू. सो आज का टॉपिक है, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट करते हैं, यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, पर्सनली भी पूछते हैं, व्हाई यू लेफ्ट बॉलीवुड, व्हाई यू डोंट वर्क इन बॉलीवुड मूवीज़. बॉलीवुड मूवीज़ ही नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग आई गेट लॉट ऑफ ऑफर्स फॉर रियलिटी शोज़ लाइक बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, झलक, बहुत सारे ऐसे शोज़. आई थिंक समहाउ कभी कर नहीं पाया मैं. इस साल भी अभी कुछ दिन पहले भी मुझे बिग बॉस का ऑफर आया. आई नथिंग अगेंस्ट एनी वन, बट आई डोंट थिंक सो कि मैं इस काबिल हूँ. सो आई डू थिंग्स विच इन माई टर्म्स, मैं वही करता हूँ जो मुझे पसंद आता है, मैं वही करता हूँ जो जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ. मुझे बहुत ज़्यादा शोहरत, नाम या बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है. जो थोड़ा है मेरे पास, जितना आप लोगों ने मुझे लव, प्यार, सपोर्ट, व्हाटएवर, फेम, जो कुछ भी दिया है स्टाइल से आज तक, आई थिंक आई एम हैप्पी. 1 बिलियन लोग हैं, 100 करोड़ की आबादी है इस देश में, और अगर उसमें से 200-300 हीरो हैं, 500 हीरो हैं, उसमें से अगर मैं एक भी गिना जाता हूँ किसी भी लिस्ट में, मेरे लिए इस ज़िंदगी के लिए काफ़ी है. देर आर लॉट ऑफ पीपल, दे वुड लाइक टू बी इन माई शूज़. सो आई एम हैप्पी विद लाइफ, आई एम कंटेंट विद लाइफ. अब मेरा बिजनेस है, सो आई फोकस मोर ऑन लाइफ फिटनेस जिम, विच इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट जिम. आई हैव इंडियाज़ फर्स्ट जिम, बी जिम, वो मैंने खोला टू सर्वाइव, टू अर्न ब्रेड एंड बटर. आई यूज़ टू ट्रेन ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑल्सो, सो वो सारा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. बहुत सारे गेस्ट अपीयरेंसेज होते हैं. देन आई हैव यूट्यूब चैनल, जो आप लोग कभी कभी मैं जल्दी में होता हूँ, बहुत हालात अलग होते हैं. हम यू नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बी, टू लुक गुड, हैव अ ग्रेट बॉडी, फिर वो बॉडी को आप वर्ल्ड क्लास बॉडी बिल्डर से कंपेयर करते हैं. सो यू हैव टू ट्रेन हार्ड एंड देन मीट सो मैनी पीपल, ट्रैवल, फैमिली, मनी, बहुत कुछ है. सो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि रोज़ सुबह उठूँ और मैं एक एपिसोड बनाऊँ और अपलोड कर दूँ. सो आई रिक्वेस्ट यू टू अंडरस्टैंड कि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है इतना ज़्यादा अपलोड करना. आई ट्राई माई बेस्ट मोर. कमिंग बैक टू वाई आई लेफ्ट बॉलीवुड, एक्चुअली स्टाइल पहली फिल्म थी मेरी एंड दैट वॉज अ कल्ट फिल्म. इट्स बीन 18 ईयर्स, 18 साल हो गए उस फिल्म को. उसके बाद एक्सक्यूज़ मी आई, वो भी बहुत अच्छी चली. पब्लिसिटी उस फिल्म की नहीं हुई थी, लेकिन आज तक स्टाइल और एक्सक्यूज़ मी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यंग बच्चों में, फैमिली में, एंड आई थिंक इट्स अ क्लीन फिल्म. उसके बाद मैंने तीसरी फिल्म की, शायद बहुत कम लोग जानते हैं, मुन्ना भाई जो फर्स्ट आई थी उसमें जो एक्ट्रेस थी ग्रेसी सिंह, सो शी वॉज़ माई एक्ट्रेस. आई शॉट दैट मूवी इन मॉरिशस. उस फिल्म का नाम है यही है ज़िंदगी, अगर ऑनलाइन देखेंगे तो आपको दिखेगा वो फिल्म. मैं था, ग्रेसी सिंह थी, शी वॉज़ अ ह्यूज स्टार आफ्टर मुन्ना भाई. आई वॉज़ वेरी, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि संजय दत्त की हीरोइन मेरी हीरोइन है, क्योंकि मैं संजय दत्त का फ़ैन हूँ. सो उनके पोस्टर्स लगाता था बचपन में मैं, एंड लेटर आई हैपन टू डू अलादीन विथ हिम ऑन स्क्रीन, सो आई वॉज़ वेरी लकी. ऑल्सो आई नो हिम एज अ पर्सन इन पर्सनली, कुछ लकी भी था मैं, उनके साथ कुछ दिन वर्कआउट करने का भी मौका मिला. सो वो फिल्म तीसरी फिल्म थी, वो फिल्म फ्लॉप हो गई. उसके बाद चौथी फिल्म मैंने की, दैट वॉज डबल क्रॉस, वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई. उसके बाद पांचवी फिल्म मैंने की, रामा द सेवियर. मुझे ऐसा लगा कि यू नो बिकॉज आई एम नॉट अ ट्रेन एक्टर, सो यू नो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे, मैं बहुत अच्छा डांसर नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग लड़का नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ. आई एम जस्ट अ नॉर्मल गाय, आप सब जैसा, जिसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, किसी भी वजह से मिली हो, पर्सनैलिटी हो, लुक हो, माइंड सेट हो, एटीट्यूड हो, स्टाइल मिली, पिक्चर हिट हो गई और आपको एक करियर ज़िंदगी का मिल जाता है. सो आई वॉज़ नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट. कोई भी चीज़ जब बहुत आसानी से मिलती है या फ्री में मिलती है, उसकी वैल्यू नहीं करते हम, यू नो.
सो दैट वाज द केस. लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद छोटा ब्रेक मिलता है तो बहुत पकड़ के रखते हैं. मुझे जैसे ऐसे ही बहुत ट्रे में मिल गया था. आई नेवर स्ट्रगल टू बी अ मूवी स्टार बिकॉज मैं मूवी स्टार बनने आया ही नहीं था. वो एक अलग स्टोरी है. मैं कभी अच्छे मूड में रहूँगा तो वापस से बनाऊँगा. अभी भी अच्छा मूड है बट शायद ये एपिसोड बड़ा हो जाए. सो आई एम फोकसिंग ऑन द क्वेश्चन व्हाट यू गाइस हैव डन. आई थिंक उसके बाद राम द सेवियर आई. खली वॉज अ ह्यूज स्टार एट दैट टाइम, WWE वर्ल्ड चैम्पियन. उसको उनको मैं इंडिया लाया. आई वॉज द फर्स्ट गाय हु गिव हिम ब्रेक इन बॉलीवुड मूवीज. बच्चे थे. तनुश्री दत्ता वॉज अ ह्यूज एक्ट्रेस. आशिक बनाया गाना वॉज अ ह्यूज. शी वॉज मिस इंडिया. सो जंगल, वाइल्ड एनिमल, ट्रेजर हंट, एक्शन, दैट वॉज अ मूवी राम द सेवियर. देन आई डिड दैट फिल्म. बहुत I was paralyzed also. I had a lot of injuries and not many people know. मैं उस बारे में बात भी नहीं करना चाहता हूँ. मेरे डॉक्टर ने बोला था कि शायद आप ज़िंदगी में कभी जिम नहीं कर पाएंगे. That is between when I was shooting with Khali. I had a huge accident. I became, मेरा वज़न शायद 70-72 किलो हो गया था. Anyways, so वो फिल्म जब रिलीज़ हुई फिर वो ओवर बजट हो गई वो फिल्म. और पैसे ख़त्म हो गए फिल्म बनाने के लिए. थोड़े बहुत पैसे हम सब ने मिलकर वी हैड मेड. एंड देन जैसे जैसे लेट होता जाता है क्वालिटी ख़राब होती जाती है फिल्म की. जैसे आप जिम नहीं करते, जैसे जैसे आप जिम नहीं करते हैं बॉडी हमारी उतरती जाती है, हार्डनेस चली जाती है. उसी तरह से फिल्म जब आप बनाते हैं फ्रेशनेस चली जाती है, इंटरेस्ट चला जाता है लोगों का, एक्टर्स का एनर्जी कम हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर जो फिल्म ख़रीदते हैं उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है. सो फिर वो एनीवेज वो फिल्म रिलीज़ हुई. खली उस वक्त बिग बॉस में थे और अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. और वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई. उसके बाद एंड इन दैट फिल्म आई वॉज प्लेइंग एज अ प्रोड्यूसर. सो आई वॉज वन ऑफ द प्रोड्यूसर. सो आई वॉज फ्रॉम मैं प्रोड्यूसरों के साथ काम कर रहा था. तो मुझे समझ में आया, यू नो, अगेन डोंट टेक दिस एज अ डीमोटिवेशन. जैसे कि पहला मैंने किसी वीडियो में कहा था अबाउट ओलंपिया, आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग एनी वन. आप लोग में से जिस सब एक्टर बन सकते हैं, हीरो बन सकते हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल. उस फिल्म में जब मैं पैसे देता था तो हर आदमी को, जैसे मैंने 5 बच्चे लिए तो उसमें से मैं सेलेक्ट करता था, उन बच्चों को लेता था जो लोग ऑलरेडी टीवी पे हैं. खली को मैंने इसलिए लिया कि उनके पास एक ऑडियंस थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब इस तरह के लोगों को मैं जोड़ूंगा इन सब की ऑडियंस फिल्म देखने आएगी एंड आई विल गेट द बेनिफिट कि ये फिल्म हिट हो जाएगी. ऐसा हुआ नहीं, लेकिन आई वॉज सपोज आई वॉज आई हैड अ मेकअप मैन. सो मुझे हर चीज़ पे, जब आप किसी को पैसे खुद से बैंक से निकाल कर देते हैं, तनुश्री दत्ता के पास अगर मेकअप मैन था, वो पर शिफ्ट अगर पैसा लेता था तो मैं कोशिश करता था कि वो पर डे पैसा ले. सो मेरे पास एक लिमिटेड अमाउंट बजट था फिल्म बनाने का, ताकि वो ख़त्म ना हो जाए, जो इवेंचुअली ख़त्म हो गया. उसके बाद आई थिंक वो फिल्म फ्लॉप हो गई. उस फिल्म के दौरान मुझे समझ में आया कि जब मैं एक आर्टिस्ट, छोटे छोटे आर्टिस्ट को लेता हूँ, मेकअप मैन को लेता हूँ, खाना कहाँ से आएगा, कपड़े कहाँ से आएंगे. जिन लोगों को भी लिया है, ऑलमोस्ट 100 से 150 लोग की टीम बनती है. हम सिर्फ उसी उन्हीं को लेते हैं जिनसे हमको फ़ायदा होता है, जो हमको सस्ते में मिलते हैं, या जो somebody ऐसे लोग होते हैं जो कुछ टेबल पर लाएँ. मुझे समझ में आ गया कि ऐसा सोचना कि मैं प्लस मैं आप में से जो भी बहुत सारे एक्टर्स हों देख रहे हो, उतना टैलेंटेड नहीं था. तो मुझे लगा मैं ट्रेन एक्टर नहीं हूँ. आई एम नॉट दैट ग्रेट लुकिंग. आई एम नॉट अ ग्रेट डांसर. आई एम नॉट अ ग्रेट एक्टर परफॉर्मर. और आई एम, मुझे इतनी एक्सपीरियंस भी नहीं थी. सो मुझे ऐसा सोचना कि कोई आदमी के प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाऊँ, वो अपने बैंक से 5-10 करोड़ 20 करोड़ निकाले और मुझे बोले ये लो, ये 20 करोड़ रुपए मैं लगा रहा हूँ, आप एक काम करो, जैकेट पहनो, गाना गाओ, समुंदर पे जाओ, हेलीकॉप्टर से शॉट लूँगा, आई एम गोना मेक यू लुक कूल. ऐसा सोचना क्या कोई करेगा मेरे लिए? क्यों करेगा? वो अपने बेटे के लिए करेगा, वो अपने बिजनेस पार्टनर के लिए करेगा, वो अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे के लिए करेगा, या किसी फिल्म स्टार के बेटे के लिए करेगा, या किसी ऐसे इंसान के लिए रिस्क लेगा, पैसे लगाएगा जिससे उसको फ़ायदा हो. मेरे लिए क्यों करेगा? अगर पिक्चर हिट हो गई तो मैं स्टार बन जाऊंगा, और अगर फ्लॉप हो गई तो उसके पैसे चले जाएंगे.
सो वो एक आम आदमी को क्यों ब्रेक देगा 10-20 करोड़ रुपए डालकर, जब मैं खुद ही किसी को 10 लाख रुपए ऐसे नहीं दे सकता। ये बात मुझे समझ में आ गई तो मुझे लगा कि यार ये, बहुत सारे फिर दोस्त मिलते गए मुझे, बहुत सारे एक्टर्स थे, मैंने उनका सवाल देखा, उनको स्टार देखा था। कुछ कोकेन लेते हैं, कोई शराब पीते हैं, कोई डिप्रेशन में है, कोई चरस पीते हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स वी गो थ्रू बिकॉज वी लिव इन अ इल्यूजन। मुझे स्टार ही बनना है, मुझे शाहरुख खान ही बनना है। मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरी है कि आप फिल्म स्टार हों तो ही आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। आप में से जितने लोग अभी देख रहे हैं, शायद बहुत अच्छी ज़िंदगी, आप में से भी बहुत लोग सुकून की ज़िंदगी जी रहे होंगे। सो उसके बाद एक फ़िल्म और आई जो उस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फ़िल्म थी, उसका नाम था अलादीन, जो मेरी 6th फिल्म है, 6th नंबर पे वो फिल्म आई थी। उसमें बहुत अच्छा, 60 करोड़ वॉज द बजट एट दैट टाइम ऑफ दैट फिल्म। अमिताभ बच्चन थे, जैकलीन थी फर्नांडिस, रितेश देशमुख वॉज प्लेइंग अलादीन, आई वॉज प्लेइंग कासिम द नेगेटिव बैड गाय, और संजय दत्त। सो संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, रितेश देशमुख वॉज अ ह्यूज स्टार एट दैट टाइम, जैकलीन की पहली फिल्म थी, एंड ह्यूज सेटअप, एरोज, सुजय घोष, वेरी ह्यूज सेटअप। हॉलीवुड जिन लोगों ने CG और स्पेशल इफेक्ट टाइटैनिक का किया था वो लोग थे उसमें। सो लॉट ऑफ थिंग वॉज देयर, और वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई। सो और उस फिल्म की जब वो बन रही थी, इतनी बड़ी फिल्म थी, हम लोग को कहा गया था कि आप फिल्म में मत साइन करो, ब्ला ब्ला ब्ला। सो आई वेटेड फॉर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर, 2 ईयर्स अगेन। सो 2 साल मैंने रामा के लिए वेट किया, जिसमें मैं बीमार पड़ा, एक्सीडेंट हुआ, पैसे ख़त्म हो गए। फिर 2 साल मैंने इसके लिए वेट किया, अलादीन की रिलीज़ के लिए, और उसके बाद भी वो फिल्म फ्लॉप हो गई। देन आई रियलाइज कि इतने साल मैं इंतज़ार करता हूँ, पिक्चर 1-2 मिलती है, करता हूँ, वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है, और मेरे पास कोई फिल्म स्टार नहीं हूँ, फिल्म फैमिली से नहीं हूँ, तो कोई बैकिंग नहीं है कि बैक टू बैक कोई मुझे चांस देता रहे, फ्लॉप आप करते जाओ और चांस देता रहे। सो जब ये सारी चीज़ें हुई, देन आई रियलाइज कि आई शुड बी रियलिस्टिक। मुझे अपना रास्ता, अपनी रोज़ी रोटी कमाने का, अपने ब्रांड को ज़िंदा रखने का, अपने आप को एक दिशा ऐसी देनी चाहिए जो रियलिस्टिक हो, जो हकीकत में हो। आज भी मुझे जिस तरह का काम मुझे मिलता है फिल्मों से, मुझे वो काम नहीं करना है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने काफ़ी फिल्में जो की हैं, जिस तरह का मैं करना चाहता हूँ वो फिल्में नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो बड़े स्टार्स करते हैं, और जिस तरह की फिल्में मिलती हैं वो मैं करना नहीं चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अपने YouTube और Instagram की ऑडियंस से, बिकॉज वो क्या कहते हैं हिंदी में, अपनी गली में शेर बनना मैं ज़्यादा पसंद करूँगा, वरना बजाय इसके कि किसी और के शहर में जाकर कुत्ता बनूँ। सो आई थिंक YouTube एंड Instagram इज़ अ ह्यूज कम्युनिटी, ह्यूज फैमिली। मुझे बहुत अटैच हूँ मैं आप लोगों से, आप लोग में से जितने लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जो पॉजिटिव हैं, आई ट्राई माई बेस्ट टू कनेक्ट विथ यू ऑल, आई एम वेरी हैप्पी। सो नेवर से नेवर, बट यू नो देर आर लॉट ऑफ गुड गाइज। शर्मन जोशी इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट एक्टर, मैंने बहुत कुछ सीखा उससे, शायद स्टाइल में। जितने लोग भी मुझे ये कहते हैं कि अच्छी एक्टिंग की है, उसका क्रेडिट शायद मैं जितना डायरेक्टर को देना चाहूँगा उतना ही शर्मन जोशी को देना चाहूँगा, बिकॉज उन्होंने बहुत, क्योंकि वो बहुत अच्छे कलाकार हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। दैट्स इट। तो होपफुली ये सवाल अब जो आप लोगों के दिमाग में है वो क्लियर हो गया होगा कि मैं व्हाई आई लेफ्ट बॉलीवुड, व्हाई आई डोंट वर्क इन बॉलीवुड, और नेवर से नेवर, मुझे पता नहीं कल क्या होगा। लेकिन अभी मैं कुछ और बात कर रहा था, और मैंने किसी से बात की और अचानक याद आया, किसी का कमेंट देखा, और ये बहुत अच्छा लोकेशन है, ब्यूटीफुल इफ़ यू सी, आई जस्ट थॉट ठीक है चलो, आई एम चिलिंग हियर, आई एम रिलैक्स, इस बारे में आज बात करते हैं। सो होपफुली आप लोगों का सवाल, जो लोग ये मुझसे करते हैं कि आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करते, आप इंडस्ट्री में भी बहुत पॉलिटिक्स है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मत जाइए, आप में से जिसको ट्राई करना है प्लीज़ जाएँ, करें, गॉड ब्लेस यू। जितने लोग जानना चाहते थे मेरी ज़िंदगी के इस हिस्से के बारे में, नाउ इट इज़ देयर, एंड इफ़ यू डोंट नो नाउ यू नो। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस चैनल, वॉचिंग दिस एपिसोड। बूम, फ्लैशबैक में चला गया यार मैं, इमोशनल था यार।
कट नहीं हुआ क्या? ये सर था।